हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते, जुले कशिदले। तो कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होने। तो आज व्लॉग की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया उठने को। हम शाम को डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोसर की तैयारी कर रहे हैं, तो डांस करना पड़ता है। आपको दिखाता हूँ आज का व्यू, तो देखिए बहुत खूबसूरत सभी है। ये देखो कर्मा जी आ रही रिमोच है खाना बना के। तो आज क्या है, आज है छोटे बच्चे बाल काट रहे हैं अपना, क्योंकि उनका नाम रखना पड़ता है। उसके लिए बाल काट के थोड़ा चोटी सा यहाँ पे पीछे बाल रखना पड़ता है, तो उसको काट के रिमोट से नाम देते हैं इनको, नया नाम आज बेटे नाम देते हैं, जिससे उन्हें अक्सर उसी नाम से बुलाया जाता है मंदिर में। तो चलो फिर देखते हैं कैसा दिखते हैं लोग बाल काट के। देखो गाइस, बच्चे लोग अपना बाल कटवा रहे हैं। वो तू नाक साफ कर, तू मार खाए। देखो हेलो गाइस, हाय गाइस, वाह वाह, लोग सब फिर से आ गए कंटेंट। चल से मैं यहां काटूंगा। परे मत जा, सीधा बैठना, सीधा इधर सीधा। किससे काट रहा है इसे? हेलो, मशीन से नहीं काट रहे? कैसा महसूस हो रहा है बाल कटवाने का? अच्छा हो रहा है। क्यों कटवा रहे बाल तुम? क्यों बाल काट रहे? नाम दे रहे हैं। नाम दे रहे हैं? कौन देगा नाम? रिम्पोचे देगा। हाँ। काट दिया, दिखाओ पीछे, दिखाओ पीछे, दिखाओ तक ऐसा घुमा। अमृत, अमृत जो बाल काट रहा है, शुरू कर। तूने काट दिए बाल? गाइस देखो, तो सब बच्चे बाल काट रहे हैं। चलो फिर हम चलते हैं, रूम बोर होने का आ रहे हैं, तब तक तो बाल कटवा लेंगे अपना, उसके बाद दिखाते हैं आपको। हेलो गाइस, तो हमें किसी कारण से शरबलिंग मोनेस्ट्री जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो लोसर के लिए दरखा लेके जाना पड़ता है, मतलब बिस्कुट वगैरह कुछ लेके जाना है। तो बाइक तैयार है अभी, बाइक तो जाना है। चलो फिर मिलते हैं आपको रास्ते पर और दिखाते हैं क्या क्या सामान ले रहे हैं हम। मिलते हैं फिर गाइस रास्ते पर। गाइस तो सब ले लिया है हमने, ये निशू है तो इसलिए पटाखा वगैरह आज शाम को पटाखा बजाते हैं, तो उसके लिए रखा है यहाँ पे। और हमने सब सामान ले लिया है।
बनाया था बोल कुछ। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं शर्वलिंग, फ़ोन किया है उसको लेने को बुलाया है रोहित के क्लासमेट रूममेट को। तो इसमें हमारे देखा का सामान आता ही होना वो लेने, तब तक देखिए आप। अच्छा जी, फिर क्या हो रहा है इसे, अरुण जी बताइए। ये हमारा थूक के लिए हम क्या बोलते हैं, एक छोटा सा खेल खेलते हैं थूपा के अंदर। ऐसा हम नाम नूम डाल के उसके अंदर डालते हैं, जैसे कि किसी में हम मिर्च डालते हैं आटे के बीच में, किसी के अंदर हम वो डालते हैं, किसी के अंदर हम काला दिल डालते हैं। जब हम लोग खेलते हैं उसको खोल के, मतलब हर किसी को कुछ भी मिलता है, जिसको अंदर जो मिलेगा वो इस साल वो रहेगा। जैसे कि आपके पास काला दिल मिल गया तो वो काला दिल वाला, सफ़ेद दिल वाला, कोई हैंडसम, कोई सुंदर, कोई अफसरा। तो हो गए? हाँ बस अब ऑलमोस्ट डन है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, फिर लगाने चलते फिर थोड़ी देर में। ओके गाइस, तो हम आए हैं किचन में। तो कौन बताएगा ये क्या हो रहा है? हो रहा है देख, दावा गुरु जी, ये क्या बन रहे हैं बताइए आप? मजा नहीं आ रहा है। ये जो है किस्मत का फैसला होता है इसमें, कि आदमी कैसा होता है, आदमी का नेचर कैसा होता है। फैसला चिक दी दे इससे पे क्या बात, क्या बात, क्या बताओ गुरु जी बताओ। हाँ वही है किस्मत का खेल। अब हम साल में एक बार हमारा लोसर आता है, उससे दो दिन पहले, लोसर से दो दिन पहले हमारा जो कुतुब जैसे भी हो कैसे भी थुप्पा पीना पड़ता है। और थुप्पा के हमारे साथ मिलता है ये आटा, आटे के अंदर और ये कागज, यहाँ पे हमारा वो लिखा होता है। यहाँ पे अब जैसे कि मिर्च डालते हैं, कोयला डालते हैं, और इनका सबका अलग अलग मीनिंग होता है। इससे पता चलते है कि कैसे है। अब थोड़े एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत क्या होता है, सन बहुत गर्म होता है, गर्म इसका मतलब गर्म होता है, गर्म इसका मतलब और गर्म होता है ना, इसके वजह जो आदमी जो बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई खम्बू ज्यादा गुस्से वाला मतलब। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। गाइस तो हम वापस रूम में आ चुके हैं, और गुथुप पी लिया था, मुझे भी एक नाम वो आया था, फिर मैं बता नहीं सकता उसमें क्या था, बहुत अच्छा तो नहीं था पर ठीक था। अभी पटाखे वगैरह बजा रहे, पर आपको सुना ही नहीं दे रहा ना आवाज़। पटाखे वगैरह बजाते हैं और निशु को लास्ट एंड हो जाता है। तो मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।